क्या फैक्ट्री या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? क्या एग्जिस्टिंग फैक्ट्री का एक्सपेंशन करना चाहते हैं? क्या आपका एग्जिस्टिंग लोन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और आप उसे कम करना चाहते हैं? financesaver.com इसमें आपकी मदद कर सकता है। प्रोजेक्ट लोन न्यू फैक्ट्री सेटअप या एक्सपेंशन के लिए मिल सकता है। नॉर्मली बैंक्स टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में से 75% से 90% तक फंडिंग करते हैं। 10% से 25% तक प्रमोटर को खुद इन्वेस्टमेंट करना होता है। कुछ प्रोजेक्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रदान करते हैं। प्रोजेक्ट लोन का इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक वेरी करता है, इसलिए लोएस्ट इंटरेस्ट चेक करने के लिए आप financesaver.com से संपर्क करें। प्रोजेक्ट लोन के लिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। प्रोजेक्ट लोन 10 साल के लिए मिल सकता है। यदि आपका प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है तो यह लोन 15 साल तक के लिए भी मिल सकता है। बैंक प्रोजेक्ट लोन में 3 इयर्स तक मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड दे सकते हैं। मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि इस पीरियड के दौरान आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होगा। प्रिंसिपल रिपेमेंट मॉरेटोरियम पीरियड के बाद स्टार्ट होगा। यह प्रोजेक्ट लोन गवर्नमेंट की अनसिक्योर्ड लोन स्कीम जैसे कि मुद्रा लोन स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम, स्टार्टअप इंडिया लोन स्कीम और CGTMSE स्कीम के अंतर्गत भी मिल सकता है। अनसिक्योर लोन स्कीम में मैक्सिमम लोन 15 करोड़ तक मिल सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि किस तरह से सही लोन प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से आप अपने और अपने क्लाइंट की इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर सकते हैं और प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने एक प्लांट लगाना था जिसकी कॉस्ट 30 करोड़ रुपए की थी और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 28% थी। इस तरह से टोटल प्लांट की कॉस्ट 38.40 करोड़ थी। क्लाइंट ने मशीन खरीदने के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक MNC बैंक के साथ सेंक्शन कराया था। मैंने कंप्लीट केस स्टडी की और उन्हें सजेशन दिया कि वे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जगह मशीन लोन के लिए अप्लाई करें। मैंने क्लाइंट से पूछा, क्या आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे एक्सपोर्ट के लिए DGFT से एक्सपोर्ट लाइसेंस अप्लाई करें जिससे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। मैंने उन्हें यह लोन फॉरेन करेंसी में लेने की सलाह दी जिससे उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट 4% पर आ गई। तो यह लोन 7 इयर्स के लिए फॉरेन करेंसी में अवेलेबल कराया। इस तरह से मैंने 20 करोड़ का फॉरेन करेंसी टर्म लोन अरेंज किया जिस पर 7 सालों में 5% इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग की, जिसका अमाउंट 5 करोड़ बनता है। इसके अलावा 8.40 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी में सेविंग की। इस तरह से टोटल 13.40 करोड़ रुपए की सेविंग हुई। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सही लोन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आप किस तरह से इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं और बिजनेस के कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस को वायबल बना सकते हैं। फाइनेंस सेवा 80 से ज्यादा लोन प्रोडक्ट में डील करता है। 130 से ज्यादा गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिडबी, एक्जिम बैंक, इरडा और TFCI से लोन अरेंज करने में मदद करता है। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट और CMA डाटा बनवाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर बाय करके अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं और अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए पिच डेक और वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आज ही फाइनेंस सेवा से संपर्क करें। फाइनेंस सेवा आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंस से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अब सारी चिंता गॉन, लॉग ऑन टू financesaver.com।